अच्छा, अभी थोड़ा सा समय हो जाता है। अभी क्या क्या हुआ, प्रभु का शरीर धारण का घटना को हम मिसा बलिदान पर किया। उसके बाद पुनरुत्थान गीत गाते वक्त प्रभु का बाप्तिस्मा का घटना है। प्रभु का बाप्तिस्मा का समय पर प्रभु ने योर्दान के नदी पर आकर जो पापियों के साथ खड़ा हुआ और योहन बाप्तिस्मा ने उसको देखा, अरे आपको आ गया, नहीं 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 चुप करो, तुम करो करो, मुझे भी बाप्तिस्मा दे दो, मैं भी बाप्तिस्मा ग्रहण करना है। और उन्होंने जो सब पापियों ने जो पानी पर डूबा, उस पानी पर उन्होंने डूबकर क्या किया, उस पानी को पवित्र बनाया, इसीलिए पानी बाप्तिस्मा का पानी बन गया। पृथ्वी भर में बाप्तिस्मा होने के लिए जो पानी है, उसी दिन प्रभु ने उनको पवित्र बनाया। और वो पुनरुत्थान का एक पहला बात है, क्योंकि उन्होंने उनका मृत्यु पर डूबा और उनका पुनरुत्थान पर उठा। प्रभु का बाप्तिस्मा में वो पानी पर डूबा और उसके बाद उठा, ये इसका समान है। प्रभु ने उनके मरण पर डूबने के लिए तैयार हो गया। और उसके बाद प्रभु ने कहा, मुझे और एक बाप्तिस्मा ग्रहण करना है, वो खून का बाप्तिस्मा है, मुझे खून में बाप्तिस्मा लेना पड़ेगा। इसलिए प्रभु ने उनका शरीर पूरा खून बहाया, उन क्रूस पर उन्होंने एक बाप्तिस्मा ग्रहण किया खून का। तो हम लोग जो बाप्तिस्मा लेता है वो योर्दान का बाप्तिस्मा नहीं, हमारा बाप्तिस्मा। तो इसलिए कोई प्रोटेस्टेंट लोग आके बोलेगा, देखो तुम्हारा बाप्तिस्मा ठीक नहीं है, तुम योर्दान पे पूरा पानी में नहीं डूबा। लेकिन हमारा बाप्तिस्मा योर्दान का बाप्तिस्मा नहीं, हमारा बाप्तिस्मा प्रभु यीशु सूली पर उनका खून से बाप्तिस्मा किया और उसका हृदय से खून और पानी निकला, उसी पर हमारा बाप्तिस्मा है। समझ में आया? हाँ। और करेसिया वहीं से चालू हुआ है। तो याद रखना, हमें इसीलिए पुनरुत्थान गीत का समय प्रभु का बाप्तिस्मा का समय है। तो बाप्तिस्मा के बाद प्रभु ने सुसमाचार का घोषणा करने लगा, इसीलिए बाप्तिस्मा के बाद पहला पाठ, पुराना नियम का सब पाठ करने के बाद फादर जो, चलो ये किताब बाइबल पूरा नहीं, ये सिर्फ सुसमाचार है। ये किताब क्या है? सिर्फ सुसमाचार है। देखो सुसमाचार, शुभ संदेश, बाइबल पूरा नहीं, सिर्फ प्रभु यीशु ने क्या प्रवचन दिया, वही पुरोहित वहां से जो पवित्र पवित्र जगह से, गिरजा का पवित्र मंडल से ये लेकर आगे आएगा। वो आते वक्त देखना, पुरोहित ये प्रभु यीशु का संदेश को अपना मुंह में ऐसा पकड़ता है, क्योंकि मैं पुरोहित प्रभु यीशु का मुंह है, प्रभु यीशु का शब्द है, प्रभु यीशु का वचन है। देखो वो ऐसा आ जाता है। तो ये सब किताब में इधर लिखा है, ऐसा होना चाहिए करके इसलिए पुरोहित ऐसा पकड़ के आता है, उसके लिए मतलब है, क्योंकि अभी ये पुरोहित उनका पुरोहिताई अभिषेक के द्वारा प्रभु यीशु है, वो स्वयं प्रभु यीशु बन गया है उनका पुरोहिताई, पुरोहिताई संस्कार के द्वारा, और प्रभु यीशु का वचन को घोषणा करने वाला है। तो ये घटना प्रभु यीशु का जीवन का, वो सुसमाचार का घोषणा
और उनका व्याख्यान उनका सिखावट का समय है। उसी वक्त हमें बहुत भक्ति भाव से खड़े होकर प्रभु की वाणी सुनते वक्त आप सोचेंगे मैं भी उस जमाने का समय पर उन लोग जो पहाड़ी में नहीं तो समुद्र के किनारे बैठकर प्रभु का वाणी सुनता था, वही वाणी अभी हम सुनता है और वही वाणी हमारे जीवन का बहुत बदलाव करने के लिए प्राप्त है। प्रभु का वचन में उतना शक्ति है, भले कि हमें समझ में नहीं आया। मुझे एक उदाहरण बताना चाहता हूँ। प्रभु यीशु नाइन गांव में एक लड़का जो एक विधवा का लड़का मर गया और विधवा का आश्वास देने के लिए प्रभु ने वहाँ गया और तब तक ये जो लड़का का जो युवक का दफनाने के लिए वो लाश लेकर उन लोग निकले लगा, लाश लेके कॉफिन में लेकर निकले लगा। प्रभु ने बोला रुको 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 और उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला वो युवक को जो मरा हुआ है उसको बोला युवक ची उड़ो उड़ जाओ। मतलब क्या है, लूकस का सुसमाचार अध्याय सात 14 वचन है। लूकस का सुसमाचार अध्याय सात 14 और पास आकर उन्होंने उन्होंने आर्थी का स्पर्श किया। इस पर या उसके बाद ईसा ने कहा युवक मैं तुमसे कहता हूं उठो। सब लोग बोलिए युवक मैं तुमसे कहता हूं उठो। जोर से बोलिए युवक मैं तुमसे कहता हूं उठो। मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। एक बार मुझे प्रभु पूछता है कि थॉमस क्या वो मरा आदमी को मैंने जो बोला समझा क्या, उसको समझ में आया था क्या? बोलिए आप। वो जो मरा हुआ युवक उसको समझा, वो कैसे जी उड़ा? वो प्रभु यीशु का वजन समझा इसलिए उड़ा क्या? हम लोग कभी सोचा कि हे फादर बदर जी आप इतना कड़क वजन बोलेगा तो लोगों को नहीं समझता है। मैं मुझे प्रभु कहता है कि तुम लोगों को समझाने वाला नहीं बोलना चाहिए, उनका अंदर मैं समझा दूंगा। मेरा वजन पर ऐसा ताकत है जो मरा हुआ को जी उड़ाने का ताकत है। हालेलुया हालेलुया। समझ में आया? यही है जब पुरोहित यहाँ पर मिसा का बीच में प्रभु यीशु का वजन बोलते वक्त वो वजन पर इतना ताकत है जो मरा हुआ व्यक्ति को जी उठाने का ताकत है। प्रभु ने लाजरस का मरा हुआ लाजर का जो 4 दिवस हो गया वहां पर आके बोला लाजरस बाहर आओ। लाजरस बाहर आ गया। क्या उनको समझ में आया था क्या ये प्रभु उनको बुला रहा है? तो ये हमें सिखाना चाहता है कि प्रभु ईश्वर है और पुनरुत्थान है और हम सबों को पुनरुत्थान देने वाला है और उसका शक्ति खास करके पवित्र मिसा में वो बहुत शक्तिशाली रूप पर काम करता है, खास करके
प्रभु का वचन जो पुरोहित मिसा बलिदान पर बांटते हैं सभाई पर, इसलिए हम जो विश्वासियों को वो शुश्रूषा नहीं करना है, सिर्फ पुरोहित नहीं तो बिशप ही करना चाहिए, दूसरों को नहीं करना है, करने का अनुमति नहीं है। अच्छा, तो अभी क्या क्या हुआ? प्रभु का शरीर धारण हुआ, प्रभु का बाप्तिस्मा हुआ, प्रभु का परस्य घोषण लिया, उसके बाद हम प्रभु ये गलीली ये गलीली है, ये यरूशलेम है। गलीली जगह छोड़कर अपना बलिदान के लिए जाता है, बलिदान के लिए जो हमारा समर्पण का सब कुछ तैयार करता है, और प्रभु ने समर्पण हम लोग समर्पण करता है, बलि चढ़ाने के लिए जो समर्पण करता है, रोटी और दाख रस सब चढ़ाता है। अभी सोचो ये रोटी और दाख रस क्या होने वाला है? प्रभु का शरीर और रक्त बनने वाला है। तो अभी याद रखना चाहिए, जैसे कि प्रभु ने माता मरियम के साथ काना में जो शादी पर आया तो माता मरियम ने कहा उनका अंगूरी कदम हो गया, तो प्रभु ने बोला अच्छा वो सब इसमें पानी भरो, और वो पानी को आशीष दिया तो पानी क्या बन गया? अंगूरी हो गया। वो इसका एक नमूना है कि प्रभु इस मिसा बलिदान पर रोटी और दाख रस को उनका शरीर और रक्त कर बनाने वाला है। तो हम लोग क्या सोचना चाहिए? हे प्रभु, वो रोटी और दाख रस के साथ मेरा इस पापमय अवस्था, मेरा शरीर, मेरा कमजोरी, मेरा दुर्बलता, मेरा परिवार, मेरा रोग, ये सब मैं चढ़ाता हूँ। तब क्या होगा? क्या होगा? जैसा पानी दाखरस बन गया, जैसा रोटी यीशु का शरीर बन जाता है, जैसा दाखरस प्रभु का रक्त बन जाता है, वैसा हम सब प्रभु का, हम जो हमारे कमजोरी शरीर प्रभु का शरीर बन जाता है। ये सब हमारा प्रार्थना में है, मैं कई बार प्रार्थना कर लिया। अच्छा, उसके बाद हम विश्वास मंत्र प्रार्थना करते हुए और बाकी सब प्रार्थना करते हुए इस चढ़ावा का प्रार्थना पर आने वाला है। उस चढ़ावा का प्रार्थना पर बहुत खास सोचना चाहिए, वहाँ पर तीन चीज होता है, वो जो रोटी और दाख रस को चढ़ाने के बाद, देखो ये मैं एक नमूना दिखाता है, जो उसको ऐसा ठग देता है, उसका मतलब है कि प्रभु का शरीर मरने के बाद उन लोग एक कपड़ा पर बांधकर दफनाया। तो हम जो कुछ भी यहाँ पर समर्पण करता है वो प्रभु का शरीर के साथ दफनाया जाता है, और उसके बाद वो चढ़ावा का समय पर ये करेगा। तो इसके लिए मतलब है, ये सब के लिए मतलब है। उसके बाद ये दूसरा जो रोटी निकाल कर जो प्रभु का प्रार्थना करने समय पर ये इसको निकाल कर ऐसा करता है, देखा, ऐसा करके इसको ऐसा रखता है। इसका मतलब ये है कि प्रभु का पुनरुत्थान का समय पर प्रभु का जो प्रभु ने जो कपड़ा पर बांधा था वो कपड़ा वहाँ पर से निकल कर उनका चेहरा पर जो कपड़ा था वो कब्र का अंदर कोना में पड़ा था। वही उन लोगों का सबसे बड़ा निशान है कि अरे ये प्रभु को जो कपड़ा में बांध के रखा था वो प्रभु कहाँ चले गया, कपड़ा वहाँ पड़ा है। तो वही प्रभु का पुनरुत्थान का सबसे पहला प्रूफ है। इसके लिए एक कपड़ा उसको अभी बाजू में रखा है, और ये शरीर निकाल कर प्रार्थना के साथ प्रभु ने जो मिसा बलिदान
कैसा करना चाहिए, प्रभु ने जैसा बोला वैसे ही पुरोहित करता है। वो रोटी निकाल कर वही वजन दोहराता है। तो इधर कौन कौन है? पवित्र आत्मा है, पुरोहित के रूप में प्रभु है, और ईश्वर का वजन है। वो वजन कहता है, वही वजन कहता है कि ये मेरा शरीर है। ये बोलते वक्त ये रोटी क्या बन जाता है? प्रभु यीशु का शरीर बनता है। ये सब इसलिए है, प्रभु ने संस्कार को इसलिए बनाया, ये प्रभु का पुनरुत्थित शरीर को हर इंसान को, हर विश्वासियों को बांटना है। उसके द्वारा प्रभु उनके जीवन पर रक्षा का बहुमूल्य कृपा देते रहना चाहिए। वैसा दूसरा प्रार्थना भी करने के बाद हम बाकी सब प्रार्थना कर देता है। फिर बहुत सारा प्रार्थना करने के बाद फिर वो रोटी को उठाता है। तब ये प्रार्थना में प्रभु का मरण और पुनरुत्थान हो गया। यहाँ पर मरण और पुनरुत्थान हो गया। उसके बाद पुरोहित जब रोटी को ऊपर उड़ाते हुए, हे स्वर्ग से उतरे हुए रोटी, वो बोते वक्त प्रभु का स्वर्गारोहण का समय है। प्रभु स्वर्ग में गया और वो स्वर्ग से अभी हमको रोटी और पवित्र आत्मा को देते रहेगा। और उसके बाद हम प्रभु को आराधना करते हैं, तब वो रोटी नहीं है जो ऊपर उड़ाया, वो क्या है? प्रभु का शरीर और रक्त है। तो प्रभु का शरीर और रक्त ऊपर उड़ाते हुए प्रार्थना करते वक्त प्रभु का पुनरुत्थान के बाद प्रभु स्वर्गारोहण किया। सो प्रभु जब स्वर्गारोहण करते वक्त, देखो शरीर धारण के द्वारा हम सब प्रभु का शरीर है, शरीर में है ना? शरीर धारण के द्वारा हम सब प्रभु का शरीर में है। तो हम सब प्रभु का शरीर में था जब उन्होंने बलि चढ़ाया, हम सब प्रभु का शरीर में था जब उन्होंने शरीर को दफनाया, हम सब प्रभु का शरीर में था जब वो जी उठा। ये विश्वास करना है। और जब वो स्वर्ग में गया तभी हम प्रभु का शरीर में ही है। हम सबों को लेकर प्रभु का पिता का दाहिने विराजमान है। अभी जो दोबारा है पिता बिंदी बोलते वक्त, पहला देह पिता बिंदी बोला तब प्रभु हमारे साथ प्रतिपर्धा, अभी है पिता बिंदी बोलते वक्त प्रभु जी उड़ने के बाद स्वर्ग गया, उसी वक्त हम और प्रभु स्वर्ग में पिता के पास होते हुए है पिता बिंदी बोलता है। उसके बाद प्रभु ने उनका शरीर रक्त हमें देता है, देने के लिए हमें बुलाता है। वही पंतकोस्त का समय है। पंतकोस्त का समय ईश्वर ने अपने आत्मा हमको दे दिया, हमारा शरीर हमारे आपके वो पंतकोस्त का सवार है। लेकिन ये सब हम यही याद रखता है, उसका बीच में पवित्र आत्मा का आगमन के लिए प्रार्थना करता है। वो पंतकोस्त का पवित्र आत्मा जैसे आगमन हुआ है, ऐसा हम सब में पवित्र आत्मा का आगमन का प्रार्थना करता है। और वो पवित्र आत्मा का आगमन का प्रार्थना का समय पर अच्छा हुआ, हे प्रभु तेरी पवित्र आत्मा का आगमन हो, वह तेरे भक्तों की बलि पर विराजे और उसे अनुग्रहित और पवित्र करे। देखिए, हे प्रभु हम इसके द्वारा हमें अपराधों की माफी, पापों की क्षमा, और खास करके देखो फिर कहता है कि पुनरुत्थान की दृढ़ आशा, पुनरुत्थान की दृढ़ आशा और स्वर्ग राज में तेरे प्रियजनों के साथ नया जीवन मिलेंगे। ये सचमुच उस वक्त हमें ये अनुभव के लिए विश्वास के साथ प्रार्थना करना चाहिए। तब उसके बाद परम प्रसाद का स्वीकार करने के बाद
हम लोग वही प्रार्थना करता है, प्रभु ये आप जब दोबारा आएगा, जो आपका शरीर और रक्त खाया पिया उन सबों को आपका दोबारा आगमन का मुन आगमन का क्या बोलता है मुहूर्त दिया है, मतलब उसका एडवांस हमको देता है, उनका पहले से हमें उसके लिए तैयारी करता है। ये सब वो प्रार्थना में करते हुए हम मिसा बलिदान खत्म होते वक्त हमें मुद्र करते हुए हमारा जीवन को प्रभु का मुहूर लगाते हुए हमें भेजता है कि हम अभी प्रभु का पुनरुद्धित शरीर का भागी है करते हो जाता है। आइए थोड़ा सा देरी हो गया, अभी हम इतना मनन रखते हुए हम मिसा बलिदान चढ़ाएंगे। आइए अगर किसी को एक मिनट बाहर जाना तो जाके आइए, और तुरंत मिसा बलिदान चालू होने वाला है।